जिसने लगाई छलांग थी वे खंदकों के पार थे, जो सोचने में रह गए वो सोचते ही रह गए। पहले तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बिलीव करना कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो द थिंग इज आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू डू समथिंग दैट यू लाइक टू डू, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी आपका मन बहुत लगा रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें इंटरेस्टेड हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ड्राइव समथिंग एंड डू समथिंग दैट यू लाइक, आई वुड से डू दैट एंड बिलीव इन इट एंड जस्ट कीप गोइंग। तुम्हारा पैशन क्या है, तुम किससे प्यार करते हो, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम कौन से पेन को सोचते हो कि समाज के अंदर बदलाव लाओगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर बदलाव लाओगे, तुम कौन से काम से पैसा कमाओगे, किस काम से पैसा आएगा तुम्हारी जिंदगी में, और चौथी चीज किस काम में तुम अच्छे हो। हाँ, इतना जरूर था कि जॉब नहीं करना, करना तो अल्टीमेटली बिजनेस ही है, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक चीज समझ में आ गई थी कि मनी का फॉर्मूला जो है वो सिंपली है कि टाइम मल्टीप्लाई बाय बॉडीज इक्वल्स टू मनी। सर, अर्लियर आई यूज्ड टू लिव फॉर द सोसाइटी और फॉर द सेक ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट इट्स योर लाइफ एंड अल्टीमेटली यू कैन लिव इट योर वे एंड देयर इज नो लुकिंग बैक, ट्रस्ट मी। देयर विल बी फेलियर्स एवरीवेयर फॉर श्योर, बट that doesn't mean that you cannot live life on your terms. Okay. आपको जिंदगी में सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ती है, तभी लोग आपसे मोहब्बत कर पाएंगे। मैंने देखा है जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं उनको लोग सेल्फिश बोलते हैं। And it's okay to be selfish. Qualification, आपकी जो क्वालिटी, आपकी जो नॉलेज है, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो चाहे तो उसको सबसे पहले यूज करिए। दूसरा, सबसे पहले आप फोकस करिए कि आपको करना क्या है। एंड देन मेक अ प्रोजेक्ट। That's what my mother told me, that if your heart, your mind and your God knows that you are doing right, you just don't have to think about anything. अगर आपको छलांग लगानी है तो आपको छलांग लगानी ही होगी। अगर आप दूरी नापने में रह जाएंगे और अगर आप इसके परिणामों में के बारे में जानकारी लेने लग जाएंगे तो आप में वो हौसला और वो आत्मविश्वास पैदा ही नहीं होगा कि आपको छलांग लगानी है। धीरे धीरे करके ईश्वर ने जैसे हाथ पकड़ा मेरा और मेरे को पुष्कर मेला में मैं डांस कर रही थी और जैसे मेरे को मेरे लाइफ दाता मेरी जिंदगी में आया हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, उन्होंने मुझे तरासा वहाँ और देखा और वो लेके मेरे को स्टेज तक पहुँचाया। और स्टेज पे जब पहुंचने के बाद मैंने कहा कि मेरी जगह ये है, रोड पे नहीं, क्योंकि मैं रोड पे नाचती थी, गांव डायनियो में नाचती थी। आजकल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है।